फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सुबह के बज रहे हैं मतलब 8। मैं यहाँ नहा करके बहुत देर से बैठी हूँ, लेकिन मेरा ये हीरो है जो जाने नहीं देता। आप ऐसा बच्चा देखे आप जो कि अपना जूता अपने बेड पे अपने साथ लेकर, अब इसका जूता मैं हटा रही हूँ तो ये रोने लगता है। आज ये मेरे साथ सुबह 6 बजे जगा है, और सुबह 6 बजे से ये अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या क्या खाया, उसके बाद अब इसका फरमाइश है कि मैं इसके पास बैठी रहूँ। अब इसको कौन बताए कि मैं इसके पास बैठी रहूँगी तो मैं स्कूल कैसे जाऊँगी। मैं यहाँ सुबह सुबह नहा वहा के रेडी हूँ, बस से बाल में कंघी करना है। आज मैं हेयर वॉश नहीं की हूँ, और बाल में कंघी करना है, उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ता मैं सवेरे जग के बना ली, इसके लिए दलिया भी बनाई हूँ। बाकी मम्मी को भी थोड़ा सर्दी लग रहा था इसलिए चावल वगैरह तो नहीं बनाई, पूरी मतलब कचौड़ी छानी हूँ, साथ में भुजिया ये सब बना है। और ये हीरो है जो कि मुझे यहाँ से उठने ही नहीं देता है, रोने ही लगता है। और ये जूता बाबू बेड के नीचे रहता है, बेड के ऊपर नहीं, ये जूता है, इसे बेड के नीचे रखना है। उठ जाओ, सब लोग आपसे मिलेंगे, रोना नहीं है। अब इसका जूता मैं नीचे कर दिया, अब नहीं रोना है, मम्मा आपके पास है। किशु कुमार, किशु कुमार, क्या चलो नाश्ता करना है। और बज ही नहीं रहा है, शायद खराब हो गया है। देखो भैया भी आए हैं देखने के लिए। आनंद इधर आ, हाय करो, स्कूल जा रहे हैं? नहीं, क्यों? एक बार ही बोलेगा, एक बार ही बोलेगा, दोबारा नहीं। आनंद भी अब स्कूल जाने लगा है, लेकिन आज नहीं जाएगा। किसु के सब जग गया, गुड मॉर्निंग केशव, गुड मॉर्निंग। ओ रिपीट करने लगा है, चार्ज हो गया कि तो बार बार जा करके आज सुबह जल्दी जगाए ना। केशव उठ जा, केशव ये कैक्टस केशव को सोने नहीं दे रहा है, इसका चार्जर मिल गया इसीलिए चार्ज हो गया ये। ये रे सृष्टि, सृष्टि स्कूल जा रही है, रेडी हो गई है। सब लोग कैक्टस से हंस रहे हैं। हेलो, कैसा तुम भी बोलो, हम चिल्लाते हैं, चिल्लाएगा कैसा बोल रहा भाग गया। तो केशव अभी अपने दादी के पास है, केशव अभी गेम में लग गया है, तो अब मुझे थोड़ा सा छोड़ दिया है यहाँ। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, गरम गरम कचौड़ी बनाई हूँ, जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। केशव के लिए दलिया वगैरह सब रेडी है, स्कूटी की चाबी यही चलाएगा। बस यहाँ से मुझे अब अपना बैग लेना है, दुपट्टा लेना है और निकल जाना है। केशव को बाय बाय करके, सोना को बाय बाय करके, बाय सोना, एक बार बाय बोलो तब अच्छा लगेगा जाने में। बाय 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 सोना, बाय बाय सोना। बिट्टू को अपने पापा से इतना प्यार है कि स्कूल नहीं जाने दे रही। किधर जाना है, किधर जाना है, देखिए आपसे ज्यादा अपने पापा को मानती है। पापा जा रहे हैं स्कूल। मैं अपना स्कूटी निकाल रही हूँ, और यहाँ देखिए बिट्टू को, बिट्टू जाना है, बिट्टू को भी जाना है। अब स्कूटी देखते ही ये अपना बदल ले।
इसको भी अब स्कूटी पे बैठ के जाना है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैं यहाँ से निकल रही हूँ और आनंद भी अपने स्कूल जा रहा है, साथ में प्रेम भी जा रहा है अपने स्कूल और मैं भी जा रही हूँ अपने स्कूल। मेरे बच्चे सब इंतजार करेंगे, अभी आधा घंटा समय है 9 बजने में और 8:45 तक मैं अपने विद्यालय में रहूँगी, मतलब जिस टाइमिंग से अभी मैं निकली हूँ 8:30 में, तो 15 मिनट यहाँ से जाने में मुझे लगेगा स्कूटी से। तो स्कूल से आने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं अभी सब्जी सब ले रही हूँ मार्केट में, और मार्केट का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना मतलब जाम है। तो 4:30 बजे तक तो मेरा समय स्कूल के बच्चों के लिए होता है, उसके बाद मैं 5 बजे तक सारा सामान लेके रूम आती हूँ। इसको पकड़ पकड़ के मैं रूम ला रही हूँ, ये बाहर भागता है। क्या? नो नो नहीं, ये तुम भागता है। मैं आओ खिलाते हैं, हम यहाँ खाना निकाल कर बैठेंगे, केसों को खिलाएंगे। ये है कि भागता है तभी से, थोड़ा देर मेरे पास रह लिया और उसके बाद ये भागना स्टार्ट, रूम में 1 मिनट नहीं रहेगा। आ जाओ बैठो बैठो, ये देखो क्या क्या है तुम्हारे पास। भैया कुछ ला रहे हैं। केशव केशव भागा भागा, केशव केशव भागा, केशव भाग गया। केशव को पकड़ के लाई मैं गेट बंद करके, रोते रोते दादी के पास भाग के आओ मम्मा के पास। नहीं रोते नहीं रोते, सब देख रहे हैं कि गुड बॉय रो रहा है, गुड बॉय गुड। चुप, अब अपने कामों में लग गया। हाँ ये देखो केशव, इससे क्या क्या बनेगा। ए केशव बोलिए, भी है भी, और इसमें ए भी होगा कहीं, इस तरह से देख सकते हैं ज्वाइंट कर करके। देखो ना एपी, ओ एपी मेरा पढ़ते रहता है, ए बी सी सब आता है केशव को। बी ए बी सी डी पढ़ के सुनाओ तो मम्मा को। केशव केशव की अभी टीचर मैं ही हूँ। अभी चलेगा कौन क्या है? हाँ पता चल जाएगा, शेप देख करके। देखो ये क्यू के लिए है, देखिए इस तरह से प्रेम बाबू लग गया है, और साथ में केशव भी अब बाहर भागना बंद करके, क्योंकि बाहर क्या है सीढ़ी सब है तो बहुत डर लगते रहता है, कि अभी केशव उतना समझ नहीं रहा है, सीढ़ी सब पे गिरने का बहुत डर लगता है, इस वजह से हम लोग इसके पीछे पीछे रहते हैं। सोचते थोड़ी देर ये रूम में रहे, और अभी केशव के लिए इसीलिए मैं पूरा रूम इसका खिलौना से भरी हूँ, ताकि ये ज़्यादा बाहर ना निकले, गिरे ना, बहुत टेंशन बनी रहती है, और केशव रूम में खेले। और अभी मैं अपने किचन जा रही हूँ, जहाँ मैं केशव के लिए लड्डू बना रही हूँ। और केशव ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खाते रहते, क्योंकि काजू जो बादाम है वैसे हम केशव को देते नहीं है, क्योंकि वो गला में उसका, या तो मैं पेस्ट बना करके उसके खाना में ऐड कर देती हूँ, नहीं तो मैं सोची एक और आइडिया, जिससे कि केशव के लिए मैं लड्डू बनाऊँगी, जिसमें मैं अखरोट साथ में, और क्या है ये मेरे पास किशमिश है, और इसमें क्या क्या ऐड होगा आप लोग को बता रहे हैं, और ये बादाम है, और बनने के बाद ही मैं दिखलाऊंगी आप लोगों को, इससे पहले रेसिपी शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं बैठ के एडिट करूं, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सोचती हूं आप लोग को। अगर आप लोग बोलेंगे कि रेसिपी शेयर करनी है तो कभी मैं लाऊंगी वीडियो संडे सबके दिन में, लेकिन कल मेरा स्कूल भी है, इस वजह से आज शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना हम रेसिपी शेयर करने लगते हैं तो उसमें बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाद में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है। ये काजू, और इसके इसमें मैं गुड़ ऐड नहीं करूँगी, इसमें मैं खजूर ऐड करूँगी, खजूर साथ में किशमिश, जिससे क्या होगा कि अच्छा लड्डू बनेगा। और इतना ही नहीं, इसमें मैं मखाना भी ऐड कर रही हूँ, ये एक पैकेट। तो सब मिक्स करके मैं लड्डू बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा लड्डू बनता है, और सबसे मतलब कैसा भी बने, केशव खाता या नहीं, खजूर केशव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं सोची कि इसमें खजूर का इस्तेमाल करूँगी, ताकि केशव को अच्छा लगे और केशव खाए, क्योंकि बहुत टेंशन होती रहती है, और सभी माओं को जो जॉब करती है
सुबह से लेके शाम तक जो माँ घर से बाहर आती है बच्चे को रूम पे छोड़ के, उसे बहुत टेंशन होती रहती है मेरा बच्चा पूरा दिन क्या खा रहा है, उसे सही डाइट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि माँ नहीं रहती है तो मतलब यहाँ के सब अपने दादी के पास रहता है, तो ऐसे पूरा दिन मैं भी परेशान होती रहती हूँ। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ केशव के पसंद का सुबह बना के जाती हूँ, ताकि केशव पूरा दिन जब तक मैं शाम में आऊँ स्कूल से तो खा करके रहे। और आप लोग तो जानते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक, मतलब 5 बजे तक जब तक मैं रूम आती हूँ, इस बीच में मैं कोई ब्लॉग वीडियो कुछ नहीं शूट करती हूँ, वो सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे के लिए टाइम है। लेकिन ये जो सुबह 8 बजे से पहले का समय और शाम में 5 बजे के बाद का जो समय है वो मेरा पर्सनल समय है, उसमें मैं आप लोगों से बहुत सारा चीज़ शेयर करती हूँ रूम पे, केशव का अपना खुद का कैसे मैं तैयारी करती हूँ, साथ ही साथ रेसिपी सब भी मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ, बनाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कैसा बना है। देख सकते हैं हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया, केशव के लिए इतना सारा लड्डू, मतलब इसे हम लोग भी खा सकते हैं और ये बहुत हेल्दी लड्डू है, इसे बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। एक एक करके मैं इसे केशव को खिलाऊँगी। और इस बिट्टू को देखिए फ़ोन ले करके घूम रही है। मेरा केशव किधर गया? मेरा केशव नहीं नज़र आ रहा है। और केशव का लड्डू पूरा रेडी है, इसे थोड़ी देर बाद मैं डब्बा में इसे रख दूँगी। बन गया, आंटी का डोसा देख रहे हैं कैसे बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि आंटी पूरी मेहनत से आज डोसा बनाने में है। बाकी यहाँ डोसा का मेन्यू देखिए इस तरह से, इतना अभी बनाने के लिए है। दीदी आज सुबह में ही बोल रही थी कि मम्मी इतना अच्छा डोसा बनाती है कि मेरे हाथ से तो ऐसा बनता ही नहीं है। तो ये अलग रेसिपी है डोसा का, जो आप मार्केट वाला खाते हैं उससे थोड़ा हटके है। तो इसमें आंटी बहुत कुछ अलग अपने तरीके से बना रही है, काफी अच्छा। क्या क्या ऐड किया आंटी इसमें? हाँ बोलिए ना। आटा, आटा का चावल दिए हैं, मैदा दिए हैं, चावल का आटा और हाँ, मैदा हाँ, और नींबू दिए हैं, नमक दिए हैं, यही सब। अच्छा चावल, पक्का चावल, देखिए कच्चा चावल, पक्का चावल और साथ में मैदा थोड़ा सा और फिर नींबू नमक ये सब दे करके फिर ये बन रहा है। और जो मार्केट वाला हम लोग खाते हैं उसमें उड़द की दाल होती है, चावल होती है, वो अलग डोसा हो गया। ये जो घर में ये रेसिपी आंटी का है, ये तो ये बहुत अलग है थोड़ा, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। अभी थोड़ी देर में मैं खाऊँगी तो आप लोग को बताऊँगी। सृष्टि कैसा लगा खाने में? अच्छा टेस्टी। तो मैं तो तभी से लड्डू बनाने पे ही, तब तक ये बच्चे सब खा रहे थे आंटी के हाथ का डोसा। डिनर सब होकर के मैं पूरी तरह किचन से केशव से अभी हर चीज़ से फ्री होकर के आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम। और ये जो समय है वो मेरे खुद के लिए है, क्योंकि केशव भी अभी सो गया है, मम्मी भी डिनर कर ली है, जो भी काम था किचन का वो मैं कम्प्लीट कर ली और मैं आई हूँ अभी अपने स्टडी रूम। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से मैं सभी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। और एक मदर के लिए जॉब करना, बच्चे का केयर, साथ ही साथ आगे की पढ़ाई, थोड़ी सी मुश्किल तो है, थोड़ी सी नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। तो यही था मेरा आज पूरे डे का रूटीन। तो देखती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना मैं पढ़ पाती हूँ अभी मैं पढ़ाई करूँगी। तो इसी तरह से मेरा पूरा डेली का रूटीन चलता है। संडे के दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है तो थोड़ा मैं ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और मैं लग जाती हूँ अपने स्टडी पर।